वो टोटल दोनों का जो प्राइस का सम है वो दे दिया है इतना इतना सी है टोटल अब उसने बेच दिया एक को फिफ्टीन हंड्रेड 15 फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट पर एंड अदर एट ए लॉस ऑफ नाइन परसेंट ठीक है दूसरे को क्या किया नाइन परसेंट लॉस पर बेच दिया तो दोनों का यदि बेचने पर क्या हुआ कि उसने देखा कि सेम अमाउंट प्राप्त हुआ है मतलब जब वो फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट और बेची पहले वाले फैन को तो उसको जो मिला एस सेलिंग प्राइस वो वही मिला जो 9% परसेंट लॉस पर दूसरे वाले को बेचने पे मिला ठीक है तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ इच फैन क्या होगा तो सोल्यूशन यहां पहले मान लेंगे इच फैन का कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो लेट सीपीज़ ऑफ टू फैंस टू फैंस आर क्या हो जाएगा पहला हम मान लेते हैं एक्स रुपीज दूसरा हो जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव में से माइनस कर देंगे एक्स तो ये दूसरा हो जाएगा इतना रुपीज ठीक है मतलब पहले वाले फैन का एक्स रुपीज है तो दूसरे का क्या हो जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव माइनस एक्स रुपीज अब यहां पर निकालेंगे एस पी दोनों का एस पी ऑफ वन एस पी ऑफ वन फैन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सिंस ये दिया हुआ है कि sp ऑफ वन फैन इज इक्वल टू sp ऑफ द अदर ऑफ द अदर फैन तो यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं क्यों मतलब एक ही बार हम दोनों को इक्वल कह रहा है बस दोनों का सेम अमाउंट है तो हम दोनों को पहले ही इक्वेट कर देते हैं तो sp ऑफ वन फैन क्या होगा पहले वाले का तो हमारा फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता, होता है cp इन ब्रैकेट पहली बार यहां पे प्रॉफिट किया जा रहा है ठीक है प्रॉफिट किया जा रहा है इसका मतलब कि हंड्रेड में पहले प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे प्रॉफिट परसेंट होल हंड्रेड ये हो जाएगा एस पी एफ वन फैन और एस पी एफ अदर फैन क्या होगा हमें नाइन परसेंट लॉस पे करना है मतलब कि सी पी इन ब्रेकेट हंड्रेड माइनस नाइन परसेंट लॉस मतलब यहां पर हो जाएगा लॉस परसेंट अपन हंड्रेड राइट ओके तो यहां पर अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा सी पी का सी पी ऑफ वन फैन कितना है एक्स है तो एक्स इंटू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है फिफ्टीन है फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू सी पी ऑफ दर फैन क्या है uh, यहां पर माना हमने है थर्टी सिक्स हंड्रेड फाइव थर्टी सिक्स हंड्रेड फाइव माइनस एक्स इन ब्रैकेट हंड्रेड माइनस लॉस कितना है नाइन परसेंट नाइन अपान हंड्रेड राइट अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड और फिफ्टीन हो जाएगा यहाँ पे तो वन फिफ्टीन अपान हो जाएगा हंड्रेड स्क्वल टू यहाँ मिलेगा थ्री सिक्स जीरो फाइव माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई यहाँ सॉल्व करेंगे क्या तो मिलेगा नाइन्टी वन अपन हंड्रेड अब यहाँ देखिए दोनों तरफ जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है ठीक है एक्स में मल्टीप्लाई है वन और फिफ्टीन अपन हंड्रेड से और यहाँ पर इस पूरे में मल्टीप्लाई किया गया है नाइन्टी वन अपन हंड्रेड से तो इस केस में हम न्यूमरेटर को न्यूरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं मीन्स हंड्रेड वंजा हंड्रेड और हंड्रेड वंजा हंड्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या है वन फिफ्टीन है और ये नाइन्टी वन है तो देखिए कुछ कर सकता है क्या ये आप चेक कर सकते हैं तो थर्टीन सेवन जहाँ होता है नाइन्टी वन और यहाँ पे थर्टीन सेवन नाइन्टी वन और यहाँ से नहीं कट पाएगा क्या सेवन से कट जाएगा यहाँ पर सेवन वन जैस सेवन और सेवन वन जैस सेवन कितना बचा यहाँ से कटेंगे वन फिफ्टीन का तो तो सेवन और फोर फोर्टी फाइव नहीं कट पाएगा तो कोई बात नहीं है हम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें वन हंड्रेड फिफ्टीन एक्स इजकअल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नाइन्टी वन से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके लिखे यहाँ पर क्योंकि हमें बाद में कुछ कैंसिल आउट करना ही है तो थ्री सिक्स जीरो फाइव इंटू नाइन्टी वन बस लिख लेते हैं और माइनस नाइन्टी वन से करेंगे एक्स में तो क्या मिलेगा नाइन्टी वन एक्स अब नाइन्टी वन एक्स को हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा और वन हंड्रेड फिफ्टीन एक्स प्लस नाइन्टी वन एक्स मिल जाएगा और इसको तो हम वैसे ही उतार लेंगे थ्री सिक्स ज़ीरो फाइव इंटू नाइन्टी वन ऐड करने में मिलेगा हमें फ़ाइव वन सिक्स नाइन वन टेन का ज़ीरो वन कैरी ओवर एंड वन वन टू टू जीरो टू ज़ीरो सिक्स एक्स टू हो जाएगा यहाँ पे थ्री सिक्स ज़ीरो फाइव इंटू नाइन्टी वन तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स बराबर सॉरी यहाँ हो जाएगा थ्री सिक्स जीरो फाइव इंटू वन अपान टू हंड्रेड सिक्स तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर क्या देखेंगे देखिए थ्री सिक्स जीरो इंटू वन अपान टू हंड्रेड सिक्स तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा क्योंकि तो ये टू से कटेगा तो ये टू तो से कटेगा नहीं ये भी टू से नहीं कटेगा तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कुछ और बड़ा नंबर है क्या कोई जो कट सकता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जो है टू जीरो सिक्स को ले सकते हैं इस तरीके से कि थ्री सिक्स जीरो फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइनटी वन, वन अपान इसको लिख सकते हैं हम लोग टू मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो थ्री है कि नहीं टू इंटू वन जीरो थ्री क्योंकि टू थ्री जो सिक्स होता है और टू जीरो ज़ीरो हो जाएगा टू वन टू हो जाएगा मतलब इतना ले सकते हैं अब वन जीरो थ्री से ये कट जाएगा यदि इसको एक बार ले जाते हैं और इसको कटाएंगे आप तो डिवाइड करके देख लीजिएगा कितने जा रहा है तो सिक्स थ्री सिक्स जीरो फाइव में डिवाइड कर दीजिएगा वन जीरो थ्री से तो पहली बार जाएगा थ्री से तो थ्री थ्री नाइन एंड थ्री जीरो जा जीरो थ्री फाइव जा थ्री यहाँ देखिए घटाएंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा आपको फिफ्टी वन और ये फाइव उतार लीजिए तो यहाँ पर ले जाएंगे आप फाइव से तो फाइव थ्री जो फिफ्टीन का फाइव वन कैरी ओवर एंड फाइव जीरो जीरो वन यहाँ पर हो गया और फाइव फाइव जो फाइव मतलब कि थर्टी फाइव टाइम्स में चला जाएगा ये कटेगा इससे तो मिलेगा थर्टी फाइव अब टू बचा है बस नीचे या थर्टी फाइव और नाइन्टी वन में मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन्टी वन एंड थर्टी फाइव में मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ मिलेगा कितना फाइव वनजा फाइव फाइव जा फोर्टी फाइव थ्री वनजा थ्री थ्री नाइनजा ट्वेंटी सेवन ये मिलेगा फाइव फाइव थ्री एट फोर सेवन इलेवन का वन और वन कैरी ओवर जाएगा थ्री मतलब मिल जाएगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी फाइव टू अब ये टू से हमें कैंसिल आउट कर लेंगे तो टू हन जर टू और यहाँ कटेगा तो मिलेगा आपको टू हन जो टू एक बच्चा ग्यारह हो गया यहाँ पर ग्यारह टू फाइव टेन फिर एक बच्चा एटीन हो गया यहाँ पे टू नाइन जय एटीन और फाइव में टू टू जय फोर और वन बच्चा फाइव टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ठीक है मतलब कि इतना रुपीज़ हो जाएगा फाइनली तो ठीक है थोड़ा सा यहाँ मतलब तो कि यहाँ पर कैंसिल आउट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आप यहाँ सोच नहीं पाएंगे हो सकता है तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको क्या कि मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फाइनली मतलब कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक बड़ा नंबर मिलेगा उसमें टू हंड्रेड सिक्स है डिवाइड लीजिएगा डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा आपको डेसिमल में तो यही आपका हो गया पहले वाले का कॉस्ट प्राइस ठीक है तो लिख सकते हैं कि हस पी एफ सी पी ऑफ वन फैन सीपी ऑफ वन फैन इज टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी टू पॉइंट फाइव जीरो लगा दीजिएगा रुपीस क्योंकि फिफ्टी पैसे ये बताता है पॉइंट फाइव जीरो लगा देते हैं तो ठीक है तो इतना रुपीस हो गया एंड एंड सी पी ऑफ अदर फैन अदर फैन जो होगा वो आप माइनस करके निकाल लेंगे मतलब कि थ्री सिक्स जीरो फाइव में से माइनस करना पड़ेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू पॉइंट फाइव जीरो को ओके तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट फाइव जीरो पहले से ठीक है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो जीरो जीरो यहाँ रहेगा तो यहाँ फाइव जीरो आएगा यहाँ पे देखिए फाइव यहाँ फोर हो चुका है अब तो फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू आएगा अब यहाँ पर देखिए जीरो यहाँ पे है तो वन यहाँ पर ओवर लेंगे तो टेन हो जाएगा टेन में से नाइन जाएगा वन फिर यहाँ फाइव बचा फाइव में से फाइव जाएगा जीरो फिर थ्री में से टू थ्री में से वन जाएगा टू टू थाउजेंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेकेंड फैन दिस इज़ वन आंसर एंड दिस इज द एनजर ओके आपके दो आंसर्स हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय